नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब हम देखने वाले हैं सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम दो शब्दों को मिलकर बना है, एक तो सर्व और एक नाम। सर्व का अर्थ है समस्त या फिर सब, और नाम का अर्थ है संज्ञा। ठीक है, अब सर्वनाम होते क्या हैं। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो हम किसी संज्ञा के स्थान में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बताती हूँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान में, संज्ञा यानी जो नाउन्स होते हैं उनके स्थान में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है मीरा, मंदिर, जाति है। मीरा मंदिर जाति है। अब यहाँ पे मीरा क्या है, मीरा संज्ञा है। ठीक है, मीरा क्या है, एक संज्ञा, एक नाउन है। अब इस मीरा का प्रयोग ना करके मैं अगर किसी दूसरे शब्द का यूज कर रही हूँ, जैसे कि वह, तो वह क्या है, वह मैं संज्ञा को यूज़ ना करके संज्ञा के स्थान पे मैं वह का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वह क्या है, वह एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, जब हम किसी संज्ञा का इस्तेमाल ना करके, ठीक है, हम किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो सर्वनाम शब्द कहलाता है। ठीक है, यानी संज्ञा के स्थान पर किसी दूसरे शब्द को जब हम लगा देते हैं, तो आई होप आपको इस सेंटेंस से आइडिया आ गया होगा कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। तो वो शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द के टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिसमें वक्ता वक्ता यानी जो बोलने वाला है वो कभी अपने बारे में कुछ कहता है, या फिर जो श्रोता यानी जो सुनने वाला है उसके बारे में कुछ कहता है, या फिर कभी कोई तीसरे इंसान, ठीक है, यानी श्रोता के अलावा कोई तीसरे इंसान के बारे में बात करता है श्रोता से, ठीक है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं, है ना, जब जो जो कर्ता या फिर वक्ता है वो अपने बारे में बात करता है तो वो मैं का इस्तेमाल करता है, या फिर जब वो श्रोता के बारे में बात करता है, ठीक है, तो फिर वो तू या फिर तुम या फिर आप का इस्तेमाल करता है, और जब किसी तीसरे व्यक्ति का, ठीक है, जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति का जो वहाँ पे मौजूद नहीं है उसके बारे में बात करता है तो वह, ठीक है, उसका, ऐसे बात करता है। ठीक है, तो तब हम इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए पुरुष वाचक सर्वनाम जो है इसके कुछ भेद होते हैं। ठीक है, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष, तो ये पुरुष वाचक सर्वनाम के भेद है। ठीक है, इनको एक एक करके देखते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है, ठीक है, यानी जब वो अपने बारे में बात करता है तो उन सर्वनाम को उत्तम पुरुष के सर्वनाम, वो सर्वनाम जो है वो उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो उन सर्वनाम शब्दों को हम उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, ठीक है, मेरा, है ना। तो जब जो वक्ता होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, वो अपने बारे में बताता है, अपने बारे में बात करता है, तो वो उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, जैसे कि मैं, ठीक है, मेरा, ये सब। उसके बाद आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष होता है जिसमें हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में, जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है,
जो जो वहाँ पे मौजूद है, यानी वक्ता और श्रोता के अलावा किसी तीसरे इंसान के बारे में जब हम बात करते हैं, यानी किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि वह, उसने, उन्होंने, जब हम किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष में, तो अन्य पुरुष कहलाता है, जैसे कि वह, उसने, उन्होंने, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति का बात करते हैं, ठीक है, तब हम वह, उसने, उन्होंने, इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, ठीक है, जो सुनने वाला होता है। तो जब जब उच्चोत्तम पुरुष होता है वो मध्यम पुरुष के बारे में बात करते हैं, यानी जो वक्ता होता है वो श्रोता के बारे में बात करता है, ठीक है। तो वो तुम, आप, तू, इन, आप, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करता है, तो वो मध्यम पुरुष कहलाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम और टाइप्स में चलते हैं सर्वनाम की। एक है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स भी हम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जो चीज निश्चित है, जो निश्चित है, ठीक है, मतलब जिसको आप बदल नहीं सकते, वो निश्चित है, ठीक है, जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जिसमें हम यह, वह, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा पेन है, ठीक है, वह मेरा स्कूल है, ठीक है। तो जब जिस जिन शब्दों में हम यह, वह, ठीक है, इन सर्वनामों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो निश्चयवाचक में आते हैं, जिसमें हम किसी निश्चित वस्तु की बात करें, जैसे यह मेरा है, ठीक है, वह मेरा पेन है, इन मतलब इस तरीके से। उसके बाद अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक बिल्कुल अपोजिट होता है निश्चयवाचक का, जिसमें जो वस्तु है उसकी निश्चितता का बोध ना हो, ठीक है, उसकी निश्चितता का बोध ना हो, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, जैसे कि कुछ, कोई, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वहाँ कोई खड़ा हुआ है, हमें पता नहीं है वहाँ कौन खड़ा हुआ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वहाँ कोई खड़ा हुआ है, तो ठीक है। तो जैसे कुछ, कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, जिसमें हमें किसी मतलब आप कह सकते हैं निश्चितता का हमें बोध ना हो, ठीक है, वस्तु की निश्चितता का हमें बोध ना हो, तब हम अनिश्चयवाचक सर्वनामों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुछ, कोई, ठीक है। अब आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिसमें किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ऐसा, वैसा, ठीक है, यानी दो सर्वनामों का संबंध जिसमें जुड़ा होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। तो उसमें जैसी और वैसी, ये क्या है, ये एक संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है, जिसमें सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध जुड़ा होता है, ठीक है। जैसा भी एक सर्वनाम है, वैसा भी एक सर्वनाम है, अब इन दोनों का कुछ संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस भी हम कहते हैं, और मतलब इसका हम कह सकते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, वह लड़का चला गया जो अक्सर झूठ बोलता है,
देखिए, वह या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम ले सकते हैं, हाँ, जो सोवत है वो, जो सोवत है सो खोवत है। ठीक है, अब यहाँ पे जो और सो, ठीक है, जो और सो क्या है, दोनों सर्व, जो दोनों संबंध वाचक सर्वनाम है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, तो मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य। तो कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो आश्रित उपवाक्यों का प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और सबसे इजी लैंग्वेज में बताऊं तो वो सर्वनाम, मतलब जिस सर्वनाम से किसी दूसरा सर्वनाम का संबंध जुड़ा होता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिंदी में जो या फिर जिसे सर्वनाम, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है, जैसा वैसा, ठीक है, तो इसे हम सर्वनाम, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ही सिंपल है और इनको पहचानना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बेसिकली इनके लास्ट में सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्योंकि प्रश्न, यहाँ पे आप नाम से ही देख सकते हैं, प्रश्न। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न का पता चलता है। हाँ, एक कंडीशन है, अगर किसी प्राणी, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर किसी कार्य आदि के विषय में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, इसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स भी कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यहाँ कौन रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ यहाँ कौन रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सर्वनाम, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वो सर्वनाम जिसमें किसी प्राणी, किसी वस्तु या फिर किसी और कार्य के विषय में कोई आपसे प्रश्न पूछता है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताने में किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, अपने आप, स्वयं, जैसे मैं बोलती हूँ ये काम मैं अपने आप कर लूंगी, तो अपने आप ये क्या है, एक निजवाचक सर्वनाम है। ये काम मैं अपने आप कर लूंगी, ये मैं स्वयं कर लूंगी, मैं खुद कर सकती हूँ, खुद, अपने आप, स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताने में किया जाए, तो उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो निज निज का अर्थ होता है अपना, निज का मतलब होता है अपना। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो यूज होता है, वो वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है। जो वक्ता होता है उसके द्वारा जो कार्य है उसके कर्ता के लिए किया जाता है। जैसे हिंदी में स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है, आप ही, तो ये सब निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप इस काम को, मतलब अब इस काम को वह स्वयं करेगा। ठीक है,
वह खुद खाना बना सकती है, मैं खुद खाना खा सकती है, मैं खुद पढ़ सकती हूँ, ठीक है। वह अपने आप अपने कपड़े धोता है। तो ये सब निजवाचक सर्वनाम में आता है। एक एग्जाम्पल, हाँ, और जैसे खाली स्थानों में उचित सर्वनाम भरिए, तो खिड़की का शीशा किसने तोड़ा है, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मेरे साथ गाओगे, तो मेरे साथ गाओगे, ये क्या है, ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। वैसे ही मैं यहाँ चला जाऊंगा, तो यहाँ यहाँ जो है वो क्या है, निश्चित वाचक सर्वनाम। पाप में वह चुभ गया है, ठीक है, तो पाप में वह चुभ गया है, ये क्या है, ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। वह यानी किसी तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही है जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। जो श्रोता मतलब जो वक्ता है वो क्या कर रहा है, वो किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहा है श्रोता से जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो वह पाप में वह चुप गया है, क्या है, ये है एक पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मुझे उम्मीद है आपको सर्वनाम शब्द अच्छे से आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।